नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस वक्त बारीघाट में मौजूद हूं। और आज मकर संक्रांति का पर्व है और यहां पर आप देख सकते हैं कि नर्मदा तट पर मतलब खाली खाली मतलब पूरा बारीघाट है। इसकी वजह यह है कि इस बार प्रशासन ने सख्ती करी है कोविड को लेकर, क्योंकि कोविड के जो मरीज़ हैं लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं अंदेशा, प्रशासन को अंदेशा था कि इसका प्रकोप और ना बढ़े भीड़भाड़ के कारण। तो यहाँ पर सामूहिक रूप से इकट्ठा होना और सामूहिक रूप से स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज हम बात करते हैं यहाँ पे अनिकेत जी हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर मकर संक्रांति में जो सख्ती लगाई गई है इससे क्या कितना क्या मतलब फ़र्क पड़ेगा त्यौहार पर। जी देखिए, मैं नर्मदा तीर्थ पुरोहित अनिकेत अवस्थी हूँ। वैसे त्यौहार पर तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि साल में मकर संक्रांति है, जैसे कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जिनमें हमारे घाट चलते हैं, लोग आते हैं, परंतु आज लॉकडाउन जैसा माहौल बना हुआ है इसलिए कोई आ नहीं रहा है। फिर भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे प्रसन्न हैं, क्योंकि देखो जब जनता सुरक्षित रहेगी तो हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जनता से तो हमारा विशेष अनुरोध है कि आप लोग जो प्रशासन कहे उसके हिसाब से कार्य करें। हमारा तो काम है दैनिक का भगवान की पूजा पाठ स्नान ध्यान कराना, इसलिए हम लोग आए हैं। बाकी हमें कोई भी जनता से इस प्रकार की आशा नहीं है कि आप लोग आओ आज हम लोग उससे कुछ धन उपार्जन करें, भगवान का कुछ कराएं, नहीं। आप लोग प्रशासन के हिसाब से रहें, प्रशासन जो कह रहा है उनकी बातों को माने, क्योंकि आप सुरक्षित रहोगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो सारी व्यवस्थाएँ अच्छी रहेंगी। अच्छा, अपन मकर संक्रांति की बात करते हैं, मकर संक्रांति का जो पर्व मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति में क्या ऐसे उसका महत्व क्या रहता है? मकर संक्रांति में ऐसा रहता है कि भगवान सूर्य नारायण जो होते हैं वो 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं, मतलब सूर्य की 2 दिशाएं होती है, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। जब दक्षिण के कोने से निकलना शुरू करते हैं तो उसको दक्षिणायन कहते हैं, तो वो धीरे धीरे आते हुए मध्य भाग पे आते हैं। मध्य के भाग के बाद जब वो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं अर्थात 14 जनवरी से उत्तरायण हो जाते हैं, तो सूर्य भगवान का उत्तरायण जो है वो साक्षात मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य सूर्य उत्तरायण में अपने देह का परित्याग करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो 14 तारीख से मतलब 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसलिए मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। और विशेष करके स्नान ध्यान किसी भी तालाब में पवित्र नदियों में इसके स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। नर्मदा का क्या विशेष महत्व है? नर्मदा का ऐसा है कि देखो नर्मदा मैया तो अपनी मतलब गंगा जी से भी पहले की हैं, नर्मदा जी का तो कोई पता ही नहीं है और कि कब से हैं ये। देवासुर संग्राम के समय जब भगवान भोलेनाथ ने वो अपना विष पान किया था, उसके बाद जब देव और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया है, फिर विष निकला, उस विष को भगवान भोलेनाथ ने धारण किया तो उससे उनको बेचैनी हुई, तो जगह जगह पर घूमते हुए जब अमरकंठक में आए हैं तो यहाँ पे उनको थोड़ी विश्राम मिली, थोड़ा शांति मिला और उनके शरीर से पसीने बह रहे थे, तो उसी पसीने से मैया नर्मदा का उद्गम हुआ है। तो मैया ने पहले ही वरदान मांगा था भोलेनाथ से कि मैं धरती के अंत तक रहूं, प्रलय काल में भी मेरी समाप्ति नहीं हो, इसलिए मैया का महत्व तो सबसे अधिक है ना। गंगा जी भी देखो गंगा दशहरा में आती हैं, मैया में स्नान करती हैं तो वो अपने सारे पापों को धो करके फिर से जाती हैं। तो जो गंगा जैसी महान पवित्र नदियों को भी पवित्र कर दें तो ऐसी नर्मदा मैया हैं, तो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं आप बताइए। अच्छा, यहाँ पर तिलवारा घाट भी है, तो तिलवारा घाट का मतलब महत्व क्या बढ़ जाता है? तिलवारा घाट जो है वो जैसे जो खारी विसर्जन फूल विसर्जन वगैरह रहता है तो तिलवारा पे ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड का महत्व है ही है, पर यहाँ पे ये गौरी घाट है, इसी के नाम से जो गौरी शंकर महाराज थे, गौरी मैया भगवान भोलेनाथ स्वयं यहाँ पे आकर के तपस्या किए हैं, इसलिए इस स्थान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर हैं और शंकर ही जिस घाट पे आकर के तपस्या किए हूँ उस घाट का महत्व तो विशेष। मकर संक्रांति पे तिल और गुड़ का भी बड़ा महत्व होता है, इसका क्या है? देखो अगर साइंटिफिक रीजन में देखें, हमारा जो हिंदू धर्म है ये कोई ऐसा धर्म नहीं है कि इसमें सिर्फ हमारे परिपोषण का हिसाब किताब रहता है, हमारा हिंदू धर्म का हर चीज़ें जो हैं वो संस्कृति और हमारे विज्ञान से जुड़ी हैं। जो हमारा तिल होता है गुड़ होता है ये दोनों गर्म प्रवृत्ति के हैं और इस समय ठंडी अपने चरम पे रहती है, तो जैसे जिसको शीत लगती है, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो उनके लिए गुड़ और तिल का विशेष महत्व ऋषि मुनियों ने कर दिया कि अगर हम ये त्यौहार के साथ इस तिल और गुड़ की भी अधिकता बता देंगे तो लोग न चाहते हुए भी उसका उपभोग करेंगे और इससे उनका शरीर भी पुष्ट होगा, तो इसलिए तिल और गुड़ का महत्व साइंस रीजन में हो गया। और अपने भगवान के रीजन में कह लो तो देखो भगवान सूर्य को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाली कोई वस्तु होती है तो वो चावल हैं, फूल हैं, विशेषकर मकर संक्रांति में तिल और गुड़ हैं।
इसीलिए इसका भगवान के हिसाब से महत्व है जी। अब जैसे ये लॉकडाउन मतलब कोरोना का चल रहा है, मतलब काल चल रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, काफी मरीज भी आ रहा है, इसको लेके जो प्रतिबंध लगा है बिल्कुल श्रद्धालु, तो आप लोग को कितना क्या ऐसे नुकसान है? देखो हमें लोग को नुकसान से कोई मतलब नहीं है, श्रद्धालु अगर अच्छे रहेंगे तो आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा, कभी न कभी तो आएंगे ही, मैया को धाम है सवाए कि वो आते ही रहते हैं, और जो भी आते हैं वो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करते ही रहते हैं। अगर वो श्रद्धालु ही बीमार पड़ जाएंगे तो यहाँ पे आएगा कौन? तो इसलिए सबसे अच्छी बात है कि आप लोग अपने अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, जब प्रशासन के हिसाब से, हमारे देश के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से कोरोना ठीक हो जाए, चारों ओर सुख शांति फैल जाए, फिर आप लोग प्रेम से दर्शन करो और पंडित जी के भी कुछ दान दक्षिणा करो, पर अभी नहीं, अभी तो प्रशासन जो कह रहा है उस हिसाब से कार्य करो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मकर संक्रांति पर जो इस बार प्रतिबंध लगा हुआ है उससे कहीं ना कहीं मतलब यहाँ के जो पुजारी है वो भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि भाई ये धर्म का काम है और इसमें मतलब कोरोना को अगर ध्यान में रख के अगर वो ना भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले त्यौहार त्यौहार होता है, त्यौहार इस साल नहीं तो अगले साल मनाया जा सकता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जबलपुर से मंगलेश्वर।